राम राम जी, आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको तीन रंग का डिजाइन बना के दिखाऊंगी। दो का बनाना चाहो दो का बना लो, चार का बनाना चाहो चार का बना लो। पहले हमें फिरोजी धागा लगाएंगे। बॉर्डर बना के पहली सिलाई है, ये सीधी सिलाई है। पहले हम एक फंदा ये डिजाइन से अलग है हमारा, फिर दो फंदे स्लिप कर लेंगे ऐसे, फिर चार फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार। अब ये छह फंदे का डिजाइन है, यही छह फंदे हम आगे बनाएंगे पूरी सिलाई में। दो फंदे स्लिप कर लेंगे, फिर चार फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे स्लिप कर लेंगे, फिर चार फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे स्लिप कर लेंगे, चार फंदे बना लेंगे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे स्लिप कर लेंगे। कोने वाले को ऐसे बना लेंगे। अब इस तरह बनेगा ये। एक डिजाइन को सेट करने के लिए जैसे छह फंदे का ये हो गया, छह का ये हो गया, फिर छह का ये डिजाइन, फिर छह का ये दो फंदे हमने ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अगर आप नहीं डाल रहे तो ना डालो, वैसे तो इसी तरह ठीक लगेगा। ये दो दो फंदे दोनों साइड कर लेंगे। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमें जो फंदे हमने बना रखे उनको बना लेंगे उल्टा, और जो स्लिप कर रखे उनको उल्टी में भी स्लिप कर लेंगे। दो फंदे चार फंदे बना लेंगे, दो फंदे स्लिप कर लेंगे, फिर चार फंदे बना लेंगे, दो फंदे स्लिप कर लेंगे, चार फंदे बना लेंगे और दो फंदे स्लिप कर लेंगे, फिर चार फंदे बना लेंगे, फिर दो फंदे स्लिप कर लेंगे। कोने वाले को भी ऐसे बना लेंगे। अब आ गई तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब दो सिलाई हमने नीले धागे से उतार ली, आगे अब दो सिलाई हम फिर पीले धागे से उतारेंगे। जो फंदे हमने स्लिप किए थे, अब जो तीसरी सिलाई में भी नहीं, इन्हीं को स्लिप कर लेंगे और ये फंदे हमें ऐसे बना लेंगे। जो हमने स्लिप किए थे उनको स्लिप कर लेंगे, और जो फंदे हमने सीधे बना रखे हैं नीले रंग के, अब उन्हीं को हमें स्लिप कर लेंगे। जो बना रखे उनको बना लेंगे, जो स्लिप कर रखे उनको स्लिप कर देंगे। दो फंदे स्लिप कर लेंगे, चार फंदे ऐसे बना लेंगे, फिर दो फंदे स्लिप कर लेंगे, फिर कोने वाला ऐसे बना लेंगे। अब आ गई चौथी सिलाई। अब चौथी सिलाई में हमें जो दो फंदे हमने स्लिप किए थे उनको तो स्लिप कर लेंगे, और जो चार फंदे हमने बनाए थे उनको हम सीधा बना लेंगे। चौथी सिलाई में सिलाई हमारी ये उल्टी, साइड हमारी उल्टी है, फंदे हम सीधे बना रहे हैं। फिर दो फंदे जो स्लिप किए थे उनको स्लिप कर लेंगे, और जो दो फंदे चार फंदे हमने बनाए थे उनको हम सीधे बना लेंगे। फिर दो फंदे स्लिप कर लेंगे, फिर चार फंदे सीधे बना लेंगे, फिर दो फंदे स्लिप कर लेंगे, चार फंदे सीधे बना लेंगे। अब ये जो दो फंदे हमने स्लिप किए हैं, ये हमने पहले में भी स्लिप किए थे, दूसरी में भी स्लिप किए थे, फिर तीसरी में भी स्लिप किए हैं, अब चौथी में भी इनको स्लिप किया है। अब आ गई, अब ये चार सिलाई उतार दी। अब आ गई पाँचवीं सिलाई। अब ये चार सिलाई का डिजाइन इस तरह बने हमारा। अगर आप इसी रंग का दो का बनाना चाहो तो दो का बना लो। आगे मैं फिर तीसरा रंग लगाऊंगी। अब डिजाइन इसी तरह बनाएंगे, थोड़ा पलट के बनाएंगे। अब हम जो चार फंदे हैं उनके बीच वाले को स्लिप करेंगे दो फंदे को, और जो ये दो फंदे स्लिप कर रखे हैं इनमें से एक फंदा इधर से मिला लिया एक इधर से। अब ये चार फंदे बनाएंगे और इन बीच के दो को स्लिप करेंगे। अब आगे अब हम तीसरा रंग लगाएंगे।
अब तीसरा रंग पिंक लगा लेंगे, डार्क पिंक है। अब ये दो फंदे करने हैं, ये चार फंदे हम ऐसे बना लेंगे पिंक रंग के, चार फंदे पिंक बना लिए कोने पे। अब ये बीच के हैं जो चार बनाए थे उनके बीच वाले दो को स्लिप कर लेंगे। अब ये चार बनाएंगे, देखो एक इधर से मिला लिया, एक इधर से मिला लिया, एक दो तीन चार, फिर ये दो स्लिप कर लिए, फिर चार फंदे एक दो तीन चार, फिर दो फंदे स्लिप कर लिए, फिर चार फंदे ऐसे बना लिए। डिज़ाइन ये बिल्कुल आसान है, बस जगह बदल दी है, यही चार सिलाई जो पहले चार बनाई है जगह बदल दी अब हमने डिज़ाइन की, और रंग भी बदल दिया, दो स्लिप कर लिए। अब ये कोने वाले चार फंदे ऐसे सीधे बना दिए। अब आगे ये पांचवी सिलाई थी, अब छठी सिलाई आ गई। अब छठी सिलाई में जो फंदे हमने बना रखे हैं उन्हीं को हम बना देंगे, और जो स्लिप कर रखे उनको स्लिप कर देंगे। छठी सिलाई ये उल्टी सिलाई है, उल्टे फंदे बना देंगे छठी में, दो स्लिप कर लेंगे, फिर दो चार फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर दो स्लिप कर लेंगे। जो बहन पहले से ही बना रही है कार्डिगन, बच्चे की कोटी, जैकेट, उनके घर में बची हुई ऊन ज़रूर मिलेगी, तो आप बची हुई ऊन से जैसे जो कलर ज़्यादा है उसको बार बार लगा लेंगे। हम पीले रंग को बार बार लगा रहे हैं, और ये नीला और ये गाजरी, ये हमें कम लगेगा हमारा, तो इसी तरह कई रंग बचे हुए हैं, एक रंग ज़्यादा है उसको हमें बार बार लगाएंगे। अब हम बनाएंगे पीले धागे की बारी आ गई, एक रंग के धागे की दो दो सिलाई उतार रहे हैं, एक धागा चल रहा है, दोनों धागे साथ नहीं चल रहे ये। अब ये फंदे हम स्लिप कर लेंगे। अब जो ये चार फंदे हैं इनको हम पीले रंग के धागे से बना रहे हैं, ये जो स्लिप किए थे हमने ये स्लिप कर लेंगे। अब ये सातवीं सिलाई आ गई, चार फंदे ये पिंक बना पीले बना लिए, और दो फंदे जो स्लिप किए थे हमने पाँचवीं सिलाई में, पाँचवीं में भी स्लिप किया इनको, छठी में भी स्लिप किया, अब सातवीं में भी इनको स्लिप कर रहे हैं, और ये चार फंदे ऐसे हम सीधे बना देंगे, फिर दो को स्लिप कर देंगे, फिर चार फंदे सीधे बना देंगे। अब आ गई आठवीं सिलाई, उल्टी सिलाई। अब आठवीं सिलाई में भी हम इनको जो फंदे हमने बना रखे हैं उन्हीं फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, सिलाई हमारी उल्टा नहीं सॉरी सीधा, ये साइड हमारी उल्टी है, ये साइड हमारी सीधी है, सीधी साइड से हम उल्टी साइड से हम सीधे बनाएंगे ये चार फंदे। अब ये आठवीं सिलाई है, फिर दो फंदे जो हमने स्लिप किए थे अब भी इनको स्लिप कर देंगे, फिर पीछे धागा करके चार फंदे सीधे बना लिए, फिर अपनी तरफ धागा करके चार दो फंदे स्लिप कर लिए, फिर पीछे धागा करके चार फंदे सीधे बना लिए। डिज़ाइन बिल्कुल ही आसान है, बस सिलाई का थोड़ा ध्यान रखना कौन सी सिलाई किस तरह उतरेगी। अब दो फंदे चार फंदे ये हमने सीधे बना दिए, फिर दो फंदे स्लिप कर लिए, फिर चार फंदे सीधे बना दिए। अब ये आठ सिलाई का डिज़ाइन हो गया, और यही आठ सिलाई हम बार बार बनाएंगे तो हमारा ऐसा डिज़ाइन बनेगा। आप इसमें और भी ज़्यादा कलर लगा सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।